ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर वन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स. Then group is abelian. Every element of a group is its own inverse. किसी ग्रुप का हर एक एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है तो वो ग्रुप अबेलियन होगा. ये हमें प्रूव करना है. ये एग्जाम्पल नंबर वन है. अब हम इसका प्रूफ दे रहे हैं. प्रूफ, लेट G dot B that group in which A inverse is equal to A for all A belongs to G. In which के बजाय हम such that लिख लेते हैं. Such that A inverse is equal to A for all A belongs to G. हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव G इज एबिलियन. अगर G को एबिलियन प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना है कि इसका हर एक एलिमेंट बाकी सभी एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर रहा है, या हम ये कहते हैं कि इसके एलिमेंट्स आपस में कॉम्यूट कर रहे हैं. तो मैं दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूं. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्रेरी. अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों एलिमेंट आपस में कॉम्यूट कर रहे हैं. तो कॉम्यूट करना है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जी के एलिमेंट हैं और जी का हर एक एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इनवर्स इज इक्वल टू वाई. अब हमें प्रूव करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, यानी कॉम्यूट कर रहे हैं. तो हम एक्स वाई कंसिडर कर रहे हैं. एक्स वाई अगर मैं इसका इनवर्स लेता हूं तो ये हमारा आएगा, हमें पता है इनवर्स कैसे खोला जाता है, पहले y का इनवर्स फिर x का इनवर्स. तो ये हमारा है y इनवर्स x इनवर्स. हमें पता है कि g का हर एक एलिमेंट इसका खुद का इनवर्स है. अगर मैं गौर करूं एक्स वाई अगर g में है तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, x इंटू वाई भी g का एलिमेंट हो गया. अगर x इंटू वाई जी का एलिमेंट है और g का हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई का जो इनवर्स होगा वो एक्स वाई के इक्वल हो गया. तो यहां से हमारे पास आ गया एक्स वाई का इनवर्स एक्स वाई के इक्वल. तो ये क्या हो गया, यहां पर लिख देते हम एक्स वाई और ये वाई इनवर्स हमारा वाई के इक्वल है, एक्स इनवर्स हमारा एक्स के इक्वल है. तो ये वाई एक्स हो गया. तो हमने प्रूव किया कि x y इज इक्वल टू वाई एक्स, क्योंकि ये दोनों आर्बिट्रेरी एलिमेंट थे. तो इसका मतलब ये चीज फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू g के लिए होल्ड कर गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, g के एलिमेंट्स कॉम्यूट कर गया आपस में. इट मीन्स g इज एबिलियन. अगर g एबिलियन है हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था. Hence proved. ये हमें प्रूव करना था.